हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंडमान और निकोबार में घूमने पर कम से कम कितना खर्चा आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी अंडमान और निकोबार की ट्रैवल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंडमान और निकोबार घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 6 दिन होने चाहिए। 6 दिन से कम में घूमना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हमें दिल्ली से जो फ्लाइट मिलेगी पोर्ट ब्लेयर के लिए, वो है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये जाना और 6,000 रुपये वापस आना, तो 12,000 रुपये। उसके बाद अंडमान में हमारे जो होटल है वो 1,700 रुपये कितने हिसाब लगाते हैं 6 दिन के लिए, वो बनते हैं 10,200 रुपये। और ऐसे ही हमारा 600 रुपये दिन के हिसाब से खाना 6 दिन के लिए, 3,600 रुपये। अब दोस्तों, अंडमान का जो मेन आइलैंड है, जिनमें मैंने 5 जगह बताई थी अपनी वीडियो में, उनमें अगर आप घूमते हैं तो आपके 2 दिन लगेंगे और उसमें खर्चा आएगा 4,000 रुपये का। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बैरन आइलैंड जाते हैं जहाँ पर वोल्केनो है, वहाँ पर हमारा खर्चा आएगा 2,500 रुपये का और यहाँ पर हमें 1 दिन पूरा लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हैवलॉक आइलैंड, उसमें खर्चा आएगा 850 रुपये का, 350 रुपये पोर्ट ब्लेयर से जब हम वहाँ तक जाएंगे, और 500 रुपये हम वहाँ पर बाइक रेंट पर लेंगे वहाँ घूमने के लिए। और दोस्तों, अगर हम वहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं तो उसके मैंने 10,000 रुपये जोड़ लेता हूँ, और 10,000 रुपये में हम कम से कम 3 एक्टिविटी आराम से कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, नील आइलैंड, यहाँ भी 850 का खर्चा, हैवलॉक से नील आइलैंड जाने का 350, और नील आइलैंड पर हम रेंट पर बाइक लेंगे वहाँ घूमने के लिए 500 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, रोज़ आइलैंड जाना 350 रुपये। अब रोज़ आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर तक आना 1,050 रुपये। और दोस्तों, अगर हम शॉपिंग करते हैं तो मैं उसके 2,000 रुपये जोड़ लेता हूँ। और इन तीनों आइलैंड जो मैंने बताए हैं, हैवलॉक और नील आइलैंड और रोज़ आइलैंड, इन तीनों में हमें 3 दिन लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे हो जाते हैं 6 दिन। तो अब ये सारा खर्चा कुल मिलाकर बनता है 47,400 रुपये का। यानी कि आप मान लीजिए कि 50,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा हमारा अंडमान और निकोबार घूमने में आएगा। तो दोस्तों, ये थी बात अंडमान और निकोबार के खर्च की। और अगर आपने मेरी अंडमान और निकोबार की ट्रैवल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वहाँ के मैंने रहस्य के बारे में बताया है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही शेयर करना भी ना भूलें।